दी। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोग जानते ही होंगे कि अभी मैं गुजरात में हूँ, पिछले ब्लॉग में आप लोग देख ही होंगे। तो हम लोग अभी रेडी हो गए हैं और पापा मम्मी लोग सब रेडी हो रहे हैं और हम लोग अभी कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। तो गाइस, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, आप लोग को भी दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और सुबह का भी 8 बज रहे हैं। सजना जी, मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी। तो गाइस, तो देख सकते हैं हम लोग अभी आ गए और पूजा वूजा सब कर लिए। यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है तो, और ये ड्रेस में भी आप नहीं जा सकते, यहाँ अलग से ड्रेस मिलता है अंदर में पूजा करने के लिए और दर्शन के लिए आप ऐसे में जा सकते हैं। और हम लोग अभी कपड़ा चेंज कर लिए थे और पूजा वूजा कर लिए यहाँ शंखेश्वर मंदिर में। तो देख सकते हैं यहाँ का इस टाइप से लुक है और मंदिर का इस टाइप से है। अंदर में अलाउ नहीं है मोबाइल, इसलिए मैं आप लोग को नहीं दिखा पाऊँगा अंदर का सीन, और बाहर का सीन दिखा पाऊँगा। कुछ इस टाइप से है, देख सकते हैं। तो यहीं आए थे पूजा के लिए और दर्शन कर लिए। पूरा श्रद्धालु बैठे हुए हैं, अभी लाइन लगे हुए हैं पूजा के लिए, दर्शन के लिए। देख सकते हैं पूरा बैठे हुए हैं और मंदिर का सीन देख ही सकते हैं आप लोग। और इधर फूल उल माला वाला आपको सबको सब मिलेगा पूजा करने के लिए। अब देख सकते हैं सर, पूरा श्रद्धालु अभी बैठे हुए हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ का सीन देख ही सकते हैं आप लोग, ऐसे है। यहाँ शंखेश्वर भगवान की मूर्ति लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो ऐसे करके पूरा मंदिर में शंखेश्वर भगवान का मूर्ति लगा हुआ है हर जगह। और इधर देख सकते हैं यहाँ का सीन, इधर मम्मी पापा लोग सब हैं, फोटो खींच रहे हैं। सो गाइस, तो अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। ये देख सकते हैं मुख्य त्यौहार, ये भैया हैं। तो हम लोग अब पूजा वूजा कर लिए हैं, यहाँ से निकलते हैं। ये देख सकते हैं पूरा ऐसे लोकेशन यहाँ का। सो गाइस, तो हम लोग नया नया थे तो यहाँ उतना पता नहीं था, इसीलिए मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। वो आप लोग देख ही रहे हैं, ये शंखेश्वर भगवान का मंदिर है और यहाँ का लोकेशन देख ही सकते हैं आप लोग। तो गाइस, यहाँ आप लोग को सब चीज़ मिलेगा, देख सकते हैं मिठाई वगैरह प्रसाद। यहाँ से अगर ले जाना चाहेंगे तो आप लोग को सब कुछ मिलेगा जो आप लेना चाहेंगे प्रसाद के रूप से, देख सकते हैं पूरा। काफ़ी टाइम हो गया गए, हम लोग करीबन 9-10 बजे जैसे पहुंच गए थे, 8 बजे से वहाँ निकल गए थे। तो अभी पूजा वूजा करके बाहर निकल गए और यहाँ देख सकते हैं पूरा आपको ये मिलेगा, बेलना चौकी वगैरह है और बच्चों का खिलौना वगैरह। सो गाइस, तो अब आ गए हैं घर, खाना वाना खाए वहीं पर। और जो वैन है ना, मुझे दिख रहा है इको स्टार, इसी में गए थे हम लोग और आ गए हैं। तो हम नाश्ता वास्ता खाना हमने खा लिए थे, हम ज़्यादा थक गए हैं गाइस, तो अभी थोड़ा आराम करते हैं फिर मिलते हैं आप लोग से। तो गाइस, तो यही था आज का ब्लॉग, में ज़्यादा कुछ नहीं, बस वहाँ देखने लायक कोई वो नहीं है, बस दर्शन के लिए है, जो कि आप लोग को मैं नहीं दिखा पाया इसलिए क्योंकि वहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं है अंदर में। बाहर का सीन आप लोग तो देख ही होंगे। तो गाइस, अब मैं वीडियो का एंड करना चाहता हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोग को शंखेश्वर मंदिर का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, अब वीडियो का यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सजना जी, मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी।